मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र में दिखा टिड्डियों का प्रकोप। कलेक्टर ने कृषि विभाग के वीके एवं उद्यानिकी दल को भेजा। यह दल किसानों को बताएगा कि कैसे टिड्डियों के प्रकोप को कम करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र ने 75,000 किसानों को अब तक मैसेज के माध्यम से जानकारी दी है। मंदसौर में 18 मई 2020 को कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश से कृषि कल्याण विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र के दल को भानपुरा क्षेत्र में रवाना किया गया है, क्योंकि भानपुरा क्षेत्र में टिड्डियों का प्रकोप देखने को मिला है। साथ ही मंदसौर जिले के गरुड़ व गरुड़ तहसील अंतर्गत रामनगर, देतली बुजुर्ग, बर्रामा, कोटरा बुजुर्ग में भी टिड्डी दल ने आक्रमण कर दिया है। इसी को देखते हुए भानपुरा क्षेत्र में टिड्डियों का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। इनके प्रकोप से कैसे अब किसान अपने खेतों, पेड़ों व सब्जियों की रक्षा कर सके, किस तरह से टिड्डियों को नष्ट किया जा सकता है, इस संबंध में दल को भानपुरा क्षेत्र में रवाना किया गया है। साथ ही भानपुरा से निकलकर उद्यानिकी दल गरोड़ तहसील अंतर्गत भी पहुंचा, जहां पर किसानों को टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए निम्न जानकारियां दी। यह दल किसानों को सलाह देगा कि इन टिड्डियों से कैसे इस क्षेत्र को मुक्त किया जा सकता है। इसके लिए खेत की पलटाई का काम प्रमुख है। जहां भी खेतों में टिड्डियां बैठी हुई मिले, उस खेत में खेत की तुरंत पलटाई कर दें, जिससे उस खेत में दिए हुए टिड्डियों के अंडाणु नष्ट हो जाए। इसके साथ ही इस दल के द्वारा भानपुरा क्षेत्र के किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी संदेश भेजा जा रहा है। फील्ड पर लगे हुए कर्मचारियों के द्वारा भी किसानों को समझाइश दी जा रही है। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से 75,000 किसानों को भी मैसेज पहुंचाया गया है, जिससे किसान टिड्डियों के प्रकोप के बारे में पहले से ही तैयार हो सके। भानपुरा संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। तो ये गरुड़ भानपुरा क्षेत्र में टिड्डी दल की आमद हुई है, किस प्रकार का है उनका आने का तरीका? कल कलेक्टर महोदय द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सिंगोली क्षेत्र में टिड्डी दल आया हुआ है, जिसके तहत सिंगोली के प्रशासनिक अधिकारी से मेरी सुबह चर्चा हुई, और सुबह चर्चा होने के उपरांत हमारे पटवारी और कृषि विभाग के लोगों को हमने पूरे क्षेत्र में सतर्क किया। इनके माध्यम से हमने जो हमारे कृषक मित्र हैं और कोटवाल, उनको भी सबको सूचना है कि कहीं टिड्डी दल आए तो सूचना कर दी। इस दृष्टि में प्रथम दृष्टिया हमारे यहाँ सुजानपुरा में टिड्डी दल का प्रवेश हुआ था, तो जिसके तहत सुजानपुरा से फिर विपरीत दिशा में, दो दिशा में, अलग अलग दिशा में जाने के बाद एक दल बरामा से गारियाकेड़ी, देतली बुजुर्ग और डलमू होते हुए वापस मनासा तहसील में चला गया। दूसरा दल बोलिया से कुंतलखेड़ी कोटला बुजुर्ग और बोलिया से कुंतलखेड़ी से कोटा बुजुर्ग बोलिया होते हुए राजस्थान में प्रवेश हो गया, और अभी हमारे क्षेत्र में टिड्डी दल से कोई नुकसान ही नहीं है।